मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने कमर कसते हुए अपनी जीत सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत बैठमा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 की भाजपा प्रत्याशी हेमलता राकेश गहलोत ने घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट की गुहार लगाई। बैठमा नगर परिषद वार्ड नंबर 5 की भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता राकेश गहलोत से हमारे संवाददाता राजेंद्र सूर्यवंशी ने विशेष बात की। नमस्कार, मैं राजेंद्र सूर्यवंशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरे प्रदेश में नगर निकाय नगर निगम चुनावों की धूम मची हुई है। बेटमा नगर में भी हर वार्ड में प्रत्याशी, जैसे जैसे तारीख नज़दीकी आते जा रही है, वैसे वैसे सारे प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ वार्ड क्रमांक 5 में, जहाँ पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी, जिन्होंने जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उन्होंने भाजपा ने अपना एक ऐसे कर्मठ और युवा उम्मीदवार कि घर से जो महिला सीट है प्रेमलता राकेश गहलोत, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। आज हम उनके बीच में हैं, उनके साथ हैं और उनसे जानेंगे कि वार्ड को लेकर उनकी क्या योजना है, क्या करना चाहते हैं वो, किस विज़न को लेकर वो मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और क्या वार्ड को विकास की गंगा किस तरीके से बहाएंगे। हमारे बीच में है वार्ड की प्रत्याशी श्रीमती प्रेमलता। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपने इस वार्ड में क्या विकास चाहती। प्रेमलता जी, आपका स्वागत है। आप बताइए कि आप पार्टी ने आपको प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो आपका क्या विज़न है, आप क्या लेकर जा रही है वार्ड में? सबसे पहले तो मेरी विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और रही वार्ड की बात, तो मेरे वार्ड में बहुत सारे काम बाकी है, अभी वो पूरा करना है। और मेरी जो बहनें हैं उनको घर पर रोज़गार देना है, और बहुत सारा, मतलब हमारे वार्ड में बहुत सारा काम रुका पड़ा है, बस उसको पूरा करना है। और बस प्रेमलता जी ने बताया कि वार्ड के बहुत सारे काम विकास रुके हुए हैं। हमारे साथ उनके पति राकेश गहलोत, जो भाजपा के एक अच्छे युवा नेता और एक कर्मठ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, राकेश गहलोत, वो भी हमारे बीच मौजूद है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो जनता के बीच क्या लेकर के जा रहे हैं और क्या कुछ नया आप देना चाहते हैं, वो हमें बताइए। नए की बात करूँ तो सबसे पहले तो पार्टी ने जो भरोसा जताया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बेटमा और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और यहाँ से टिकट दिया। रही बात विकास की, तो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी बेटमा में विकास करती आ रही है, आगे भी हम विकास की अधिक से अधिक वार्ड में और बेटमा नगर में भी विकास करेंगे हम। रही बात सड़कों की, हमारे वार्ड में पहले से बन चुकी है, नालियाँ बन चुकी है, और भी जहाँ कुछ कमी रहेगी उसको हम पूरी करेंगे। संवेदनशील क्षेत्र, मोहल्ले में कोई चोरी होना छोटी मोटी, ये लगभग लगता है आम बात होती है, इसके लिए CCTV कैमरे लगाना। जिस व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची है वहां तक हम पहुंचकर उन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो फिलहाल में मतदाताओं से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, अगर उनका आशीर्वाद जितना ज़ोरदार रहेगा उतनी ताकत से हम भी काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपने कहा है कि वार्ड में आप CCTV कैमरे वगैरह लगाना चाहते हैं, ये एक तो योजना है आपकी कि अगर आप आए सत्ता में या पार्षद बनते हैं तो। एक और सवाल है कि इसी को लेकर कि यहाँ की जो अध्यक्ष की सीट है वो महिला ही है, अगर आपको वहाँ का अगर मौका मिलता है तो आप नगर में क्या करना चाहेंगे? वहाँ का मौका जब मिलेगा जब हमारी पार्टी नेतृत्व हमें आदेश करेंगे, जहाँ पार्टी नेतृत्व हमें रखेगा हम वहीं पर रहेंगे। पार्टी गाइडलाइन जैसा आदेश करेगी वैसा होगा, जिस व्यक्ति जिस उम्मीदवार के साथ में जाने को बोले हम जाएंगे, उसमें अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। एक और सवाल, अगर आपकी पार्टी ने आपको यहाँ का कार्यकर्ता आपको प्रत्याशी तो बना दिया है,
एक सबसे बड़ी समस्या होती वार्ड में जब जाते हैं तो स्वच्छता की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सबसे बड़ा विज़न यही है, तो स्वच्छता को लेकर आपने क्या योजना तैयार करी? आपके वार्ड को आप स्वच्छता में क्या करना चाहेंगे, किस तरीके की योजना लाना चाहेंगे? पहली बात, स्वच्छता के मामले में हमारा वार्ड सबसे स्वच्छ है बेटमा नगर में अगर देखा जाए तो। और भी अगर कोई आवश्यकता लगी तो हम उसको पूरा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई कमी है, पर फिर भी हम आगे और भी उसको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो देखा आपने, ये थे वार्ड क्रमांक 5 के प्रत्याशी प्रेमलता, मिसेस प्रेमलता और उनके पति राकेश गहलोत, जिन्होंने बताया, अपने सारे विज़न बताए, सारे रीज़न बताए कि वो प्रत्याशी जो पार्टी ने उन्हें बनाया है, तो जब मतदाताओं के बीच में वो जा रहे हैं, किस विज़न को लेकर के जा रहे हैं, क्या दावे लेकर के जा रहे हैं, अब इन दावों पे वो कितना खरा उतरते हैं, ये आने वाली 6 तारीख बताएगी। जनता को कैसा उनका समर्थन मिलता है ये आने वाली 6 तारीख बताएगी। जब वोट मतदान होगा, मिसेस प्रेमलता और उनके पति राकेश गहलोत, जिन्होंने बताया, अपने सारे विज़न बताए, सारे रीज़न बताए कि वो प्रत्याशी जो पार्टी ने उन्हें बनाया है, तो जब मतदाताओं के बीच में वो जा रहे हैं, किस विज़न को लेकर के जा रहे हैं, क्या दावे लेकर के जा रहे हैं, अब इन दावों पे वो कितना खरा उतरते हैं, ये आने वाली 6 तारीख बताएगी। जनता को कैसा उनका समर्थन मिलता है ये आने वाली 6 तारीख बताएगी। जब वोट मतदान होगा, अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।